वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। अभी हम अमेठी में रोड किनारे एक समोसे छोले की दुकान पर हैं, जहां लोग बैठे हुए हैं, जहां मैम बैठी हुई हैं, जहां छोला बनाने वाले समोसे छोले बनाने वाले लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, अमेठी में कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव ठीक चल रहा है अमेठी में, हम लोग तो शर्मा जी के साथ हैं। चुनाव अच्छा हो रहा है, अच्छा चल भी रहा है, और इस समय सांसद शर्मा जी के साथ हैं। थोड़ा मैं बैठ जाऊँ आपके बगल में, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद। जावेद, जावेद भाई, छूटते ही आप बोल रहे हैं हम शर्मा जी के साथ हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देखो सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई सरकार अगर बहुत बार से बनी रहती है एक ही बार, तो उसको बदलना जरूरी होता है, तभी अगला नेता हमारा जो होता है वो सक्रिय होता है। आप बताइए महिलाओं के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की तो सांसद एक महिला है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कि इलेक्शन में महिलाओं के लिए आप लोगों के लिए बात हो रही है? मेरे को तो नहीं लगता कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है यहाँ पर। बच्चों की फीस इतनी महंगी है, शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ अच्छा काम हो रहा है। तीन तलाक को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है, कहती है हमने महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा एम्पावरमेंट किया है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो हमारा अपना मैटर है, तो उसमें हमें नहीं, वो हमारी शरीयत पहले है, तो हम, मेरे को ये नहीं है कि हाँ वो सही कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तीन तलाक आसान नहीं है कि हाँ तीन तलाक किसने बोला तो दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। OBC और दलितों का आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, बीजेपी कह रही है हम मंजूर नहीं करेंगे। ये गलत है। देखो, मुस्लिम को भी आरक्षण जो मिला है वो मिलना चाहिए, दलितों को भी जो मिलना मिलना चाहिए। हर जात में गरीब हैं, हर जात को जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शांत पांडे। अब आगे क्या सोचा है? आगे ये KL शर्मा जीत रहे हैं, 2 लाख वोटों से जीतेंगे अमेठी विधानसभा, अमेठी से स्मित रानी जीतेंगे, काफी पूर्ण बहुमत से, मतलब बहुमत से जीतेंगे, या 400 पार। आप भी ज्योतिषी का काम कर रहे हो? ज्योतिषी नहीं, उन्होंने काम किया है। राहुल गांधी यहाँ पर मतलब सांसद रहे, कुछ किए नहीं, केवल साल भर में 1-2 बार आते थे। कांग्रेस ने भैया क्या नहीं किया बताइए आप, कांग्रेस को बताइए, बीजेपी का कार गिनाइए आप। कितने दिन आए? अरे यार, कांग्रेस ने क्या नहीं किया यार, IIT दिया, एम्स दिया, क्या नहीं दिया यार। मतलब होना चाहिए, ये नहीं इतना बड़ा देश है उनको हर जगह देखना। तुम बोलो भैया, तुम क्या? कभी निर्माण कांग्रेस ने ही तो किया यार, क्या नहीं किया कांग्रेस ने बताइए? अमेठी के लिए क्या किया? अमेठी के लिए पूरे जनता के लिए क्या नहीं किया यार, क्या नहीं किया? सब कुछ तो वही किया है, हर चीज तो अमेठी के लिए। अब तो ये आके केवल 5 साल लूटे हैं, 14 रुपए किलो चीनी बता के। क्या क्या किया अमेठी के लिए पूछ रहे? क्या नहीं किया बताइए, क्या क्या? बाबूजी आगे, बाबूजी क्या नाम है आपका? विजय शंकर शुक्ला, ताला। अमेठी से हैं? अमेठी से। अरे चलिए थोड़ा उधर चलिए, अमेठी में क्या चल रहा है बाबूजी माहौल? अमेठी भैया आपको समझ में नहीं है, पब्लिक कोर्ट दिए कहा है, वो अपप्रचार करता है। नहीं, यहाँ पे सब आपस में लड़ गए, कोई कह रहा है कांग्रेस ने क्या किया, कोई कह रहा है बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने गलत काम किया है। आज तक कभी इस तरह चुनाव हुआ है नहीं, आज तक जब से चुनाव समझ रहे हैं, मारपीट गुंडागर्दी कभी न किसी गाड़ी तोड़ी नहीं की आज तक। अच्छा, मारपीट रुकवा दी बीजेपी ने? और क्या, योगी जी ने? योगी रह गए, जब सांसद यहाँ करो योगी क्या करिए। अच्छा भैया, यहाँ पे भैया उठ क्यों गए आप? बैठिए। छोले समोसे कैसे भैया? बढ़िया, काफी फेमस है और माहौल देख रहे हैं, यहाँ पे बैठने बहुत मजा आता है, इसीलिए यहाँ का जो छोला समोसा है काफी फेमस है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शक्ति सिंह है। क्या करते हैं आप? हम भैया फार्मा इंडस्ट्री में हैं, यही अमेठी से हैं जी। तो अमेठी में जैसे आप जैसे युवा हैं, अब रोजगार की बात आती है, तो अमेठी के युवाओं का क्या कहना है इस पर? देखिए, अमेठी का युवा चाहे कहीं का भी युवा हो, देखिए मुद्दा यही होना चाहिए, रोजगार, शिक्षा और ये स्वास्थ्य, यही तीनों मुद्दा होना चाहिए, इसी पे जो यहाँ की युवा जनता है इसी पे वोट करेगी। अब देखिए, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट देंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन चुनाव में बात आ गई कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, घुसपैठियों को संपत्ति दे दी जाएगी, आरक्षण की बात आ गई, इस पर आपका क्या कहना? जैसे आजकल के आप देख रहे हैं, आधार कार्ड हर आदमी के पास है, पैन कार्ड भी है, लिंक भी है, उनसे उनके पूरी परिवार की जानकारी, उनकी इनकम क्या है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, इस आधार पर उनका आरक्षण मिलना चाहिए। अगर उनके परिवार में 10 लोग हैं, इनकम उनकी ना के बराबर है, ऐसे लोगों को चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिलोंग करते हो, अगर उनको आरक्षण मिलता है तो उनको सहायता मिलती है, उनका परिवार आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं, जरा यहाँ अम्मा बैठी हैं, अम्मा समोसा मैं देख रहा हूँ बहुत देर से भर रहे हैं आप, दिन भर में कितना समोसा भर देती?
मतलब जितना भर जाता उतना भर ली थे उनका। वोट दे हो अब की? वोट दे हो? हम केहू को वोट नहीं देव अब की, ना ही किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों कब कहे हैं हमारे सबके बारे जन वोट दी वोट लिए आवा थे और फिर मुझे झाका नहीं होते कि झाका आवा के हमारा कहे कि जी केहू नहीं आवा क्यों नहीं होते बीजेपी ना कांग्रेस कोई नहीं है। आप पिछली बार की का वोट पिछली बार जब वोट दिए थे कोई आया था आपके पास बाबा? पिछली बार कोई आया था? क्यों नहीं आते कबो? गुस्सा हो आप? हाँ गुस्सा ही। किससे? जे हाँ मैं मालिक और कैसे? योगी जी से कि राहुल जी से कि मोदी जी से कि स्मृति ईरानी से? हमसे क्यों से मतलब नहीं ना। एक बात तय है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है लेकिन जनता बहुत जागरूक है और सब समझ रही है, सबने अपना मन बना रखा है। फाइट क्या होती है, नतीजा क्या आता है, जनता क्या तय करती है, अब ये तो 4 जून से पहले कौन बता सकता है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, अमेठी।